हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों फिर सब सभी का स्वागत है एक मेन का एक नया वीडियो पे। दोस्तों देखो, आजकल के टाइम पे जैसे जैसे एआई का इंप्रूवमेंट हो रहा है, हर एक फील्ड में काफी सारी इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। इतना दिन तक डेटा साइंस जो था वो काफी बूम था, आज भी उसका मार्केट काफी सही है, बट सिर्फ एक डेटा साइंस इंजीनियर होने से आपका काम नहीं चलेगा। अगर आप चाहते हो कुछ ज्यादा करे, कुछ अलग करे और उसके साथ साथ आपका जो अर्निंग्स है उसको भी थोड़ा बहुत इंप्रूव करे, तो आपका जो फील्ड है उसको थोड़ा बहुत आपको इधर उधर शिफ्ट करना पड़ेगा। तो इसलिए मैं आज का ये वीडियो बना रहा हूं कि अगर आप एक डेटा साइंटिस्ट हो या डेटा साइंस इंजीनियर कोई भी हो, आपके साथ वो पर्टिकुलर फील्ड के साथ साथ आप कुछ ऑल्टरनेटिव फील्ड को भी चूज कर सकते हो और उसके थ्रू अपने करियर ग्रोथ को आगे लेके जा सकते हो। तो इसलिए मैं सोचा कि पांच ऑल्टरनेटिव बता दूं। अगर आप एक डेटा साइंटिस्ट हो तो उसको छोड़ के भी आप ये पांच चीजों में अपना जो है ट्राई कर सकते हो, अपना काम कर सकते हो। द फर्स्ट वन इज मशीन लर्निंग इंजीनियर। देखो भाई, मशीन लर्निंग के बारे में हर कोई जानता है, एआई एमएल एक साथ जुड़ा हुआ है। तो अगर आप एक मशीन लर्निंग इंजीनियर बनते हो तो आपके पास काफी सारे स्कोप रहता है कि आप नए नए कंपनी में जॉब मिल जाए, आपको आपके पास काम करने का ज्यादा मौका मिल जाए। उसके साथ साथ ऑब्वियस बात है, इसके लिए सब कोई काम करता है, पैसा भी आपको काफी ज्यादा मिलता है। सेकेंड वन इज डेटा इंजीनियर। देखो भाई, डेटा आजकल के टाइम पे सब कुछ है, डेटा को लेके ही पूरे दुनिया चल रहा है। तो डेटा इंजीनियर अगर आप हो तो आपके पास काफी सारे स्कोप रहता है, आप बड़े बड़े कंपनी पे अप्लाई कर सकते हो। डेटा इंजीनियर जो है वो काफी सारे ऐसे अब्रॉड पे भी आपको ऑप्शन मिल सकता है, आप वहां पे भी जॉब या नौकरी कर सकते हो। थर्ड पॉइंट इज बिजनेस इंटेलिजेंस। देखो भाई, बिजनेस इंटेलिजेंस आजकल के टाइम पे बहुत ही ज्यादा जरूरी है, बिकॉज आपके पास डेटा है बट अगर आप उसको बिजनेस इंटेलिजेंस के साथ उसको एनालिसिस नहीं करोगे तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। देखो, बिजनेस इंटेलिजेंस के लिए मैं ज्यादातर सपोर्ट सजेस्ट करूंगा, आप लोग पावर बी आई वगैरह सीख सकते हो, टैब्लू सीख सकते हो, तो एक्सेल वगैरह, एडवांस एक्सेल वगैरह सीख सकते हो। और उसके बाद अगर आप उसको बिजनेस इंटेलिजेंस के अंदर अप्लाई करोगे तो आपके पास काफी सारे जॉब्स अपॉर्चुनिटी ओपन हो जाएगा, आप काफी ज्यादा इनकम कर पाओगे और उसके साथ साथ आपका करियर ग्रोथ भी होता रहेगा। चौथा जिस ऑल्टरनेटिव के बारे में बात करते हैं वो है डेटा प्रोडक्ट मैनेजर। ये भी एक काफी बढ़िया फील्ड है, यहाँ पे भी आप अपना जो है ट्राई कर सकते हो और उसके साथ साथ यहाँ पे भी डेटा प्रोडक्ट मैनेजर जो है वो बन सकते हो। एंड द लास्ट बट नॉट द लिस्ट इज डेटा एनालिस्ट। ऑब्वियस बात है, देखो डेटा को लेके सिर्फ आप बैठे रहोगे तो कुछ काम नहीं होगा, उसको एनालिसिस करोगे, उसका प्रोस कॉन्स को आप अगर बाहर लेके आओगे तभी जाके उस डेटा का कुछ फायदा है। तो इसीलिए अगर आप एक डेटा एनालिस्ट बनते हो तो आप इंडिया पे तो बहुत सारे जॉब मिल ही जाएगा आपको, बट आपको अब्रॉड पे भी काफी अच्छा सैलरी वाला, काफी अच्छा पैकेज वाला जॉब आपको मिल जाएगा। और ये काफी बढ़िया जॉब है, आपके पास सीखने का बहुत ज्यादा मौका है और आप काफी सारी चीज को इंप्लीमेंट भी कर सकते हो। तो ये पांच फील्ड है, अगर आप चाहते हो कि आप डेटा साइंस को छोड़ के भी कुछ अलग जगह पे अपने स्किल्स को आप ट्राई करोगे तो यू कैन गो फॉर दिस रोल। तो बस यही है वीडियो के अंदर, बहुत ही शॉर्ट एंड सिंपल वीडियो है, मैं सोचा कि आप लोगों के लिए शायद फायदेमंद हो सकता है तो इसलिए मैंने इसको बना दिया। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, दूसरों के साथ शेयर कर देना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अच्छे से रहना, ठीक से रहना।